बोल ना। दीदी एक बात बताइए, क्या हमें इसलिए इस घर में ब्याह कर लाया गया है कि हर छोटा बड़ा हमारी बेइज्जती करता रहे, जिसके मन में हमारा अपमान करता रहे? क्या हुआ, किसने तुम्हारा अपमान किया? देखो मेरे साथ एक्टिंग मत करो, मैंने भी कॉलेज के ड्रामों में बहुत एक्टिंग की है, सबको जानती हो और फिर भी पूछ रही हो किसने अपमान किया? मजली दीदी, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आप सीधे मुंह बात नहीं करेंगी तो दूसरे आपसे सीधे मुंह बात कैसे करेंगे? तुम चुप रहो गीता, बड़ों के बीच बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा। अरे रे, आज क्या झगड़ा करने का इरादा लेकर आई हो? इरादा लेकर नहीं आए, मजबूर होकर आए, सिर्फ ये पूछने आए कि इस घर में हमारी क्या औकात है। औकात क्या बहू, तुम सबके सर आंखों पर हो। खाक सर आंखों पर है, जूतों में है, पैरों की धूल में है, छोटे छोटे अधिकार तक तो हमसे छीन लिए गए हैं, यहाँ तक के रसोई घर में आने की भी मनाही है। दीदी जरा ठंडे दिल से सोचिए, कितनी बार रसोई घर में आकर आपका सर चकराने लगा, कभी कह आने लगी। ऐसी हालत में तो कोई दुश्मन ही आपको रसोई घर में आने देगा, आपको तो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती, बात इनसे की जा रही है, तुम खामखा अपनी जबान तलवार की तरह चलाई जा रही हो। अभी अभी मैंने छोटे देवर जी से कहा कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे स्टेशन पर छोड़ कर आओ, तो आंखें निकाल कर कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और क्या बेइज्जती सुननी है आपको? अच्छा अच्छा, तो मोहन ने तुम्हें नाराज किया है? फिक्र मत करो, हम सब उससे बात नहीं करेंगे, अभी राजू के पिताजी आएंगे तो मैं कह दूंगी कि वो तुम्हें स्टेशन छोड़ आए, बस। हाँ हाँ जाहिर बात है, तुम जेठ जी से कहोगी तभी तो वो मुझे स्टेशन पर छोड़ कर आएंगे, वरना तुम्हारे हुक्म के बगैर इस घर की आवाज तक बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे हुक्म को तोड़ दूंगी, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगी। अरे भाभी कैसी कड़वी कड़वी बातें कर रही हैं आप, दीदी से ऐसी बातें करना आपको शोभा देता है क्या? अरे चुप कर रही हो, शोभा का पाठ सिखाने वाली, और जो तू हरकतें करती है वो तुझे शोभा देती है क्या? यूं तो इनकी छत्र छाया में बैठी हो तब भी तो इतने ऐश और मजे कर रही हो, अगर किसी और के घर में होती तो 24 घंटे किसी कोने में बैठकर अपनी तकदीर को कोसती। सारी दुनिया हंसती है तुझ पर, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, बालों में फूल, अरे कोई कुंवारी लड़की भी इतने नखरे नहीं करती होगी जितने की तू बाल विधवा होकर करती है। तू बाल विधवा होकर करती है। चलो दीदी ये सब तो नाटक है इनका, विधवा को कुंवारी बनाकर रखा हुआ है, इनका बस चले तो दूसरा ब्याह कर दे इसका, चलो।